हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ निहाल। तो आज की वीडियो होने वाली है कार सर्विस के बारे में। मेरे पास है अल्टो K10, तो इसकी सेकंड सर्विस होने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये बज रहे 752 और ये चल चुकी है 5302 किलोमीटर। तो ये इसकी 5000 पे होने वाली थी सर्विस, जो ये सर्विस थी इसकी। तो जो इसकी सर्विस है सेकंड सर्विस, ये 5000 पे होती है, तो 302 ज़्यादा चल गई है। और इस गाड़ी के अंदर मैंने एक म्यूजिक सिस्टम लगवाया था, तो ये पाइनियर का। तो इसमें जो इधर वाला जो स्पीकर है, ये अभी इसको एक महीना हुआ है लगभग, और ये इधर वाला स्पीकर बंद हो गया, तो चलते चलते आवाज़ आना बंद हो गई इसकी। तो गाइस, ये जो स्पीकर है ये वारंटी में, तो इसको चल के ठीक कराते हैं। और पहले चलते हैं सर्विस सेंटर पे, सर्विस करवाते हैं गाड़ी, उसके बाद हम जाएंगे स्पीकर के लिए। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, ये जो टोल है तो ये फ्री है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है तो उस पे लगता है टोल, और ये जो नॉर्मल रोड्स पे जो टोल होते हैं ये फ्री होते हैं, तो है ये भी फ्री। और गाइस, ये टोल है जो, ये मेरे वैसे ही फ्री है टोल, क्योंकि आप टोल के आसपास एरिया में रहते हैं तो टोल फ्री होता है। और मैं भी जा रहा हूँ जयपुर सर्विस के लिए, तो मैं मेन जयपुर में नहीं रहता, मैं रहता हूँ जयपुर से 25 किलोमीटर आउटसाइड रहता हूँ। और जो कार है अल्टो K10 MT है, तो एक तो चलाने में आसान है, बढ़िया है। और इसका रिव्यू किया है मैंने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं जाके। और अब मिलते हैं सर्विस सेंटर पे जाके, तो जब तक आप व्यू एंजॉय कीजिए आगे का। ये 5343 हाँ, तो चलाने फिरने में दिक्कत है गाड़ी के अंदर। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको दिक्कत है जो गाड़ी के अंदर। एक तो ये लॉक है ना, ये कभी कभी खुलता नहीं है, ये वाला के कैसे ऐसे अटक जाता है नीचे। और आप खींचते हो तब नहीं खुलता, या चाबी चाबी से भी नहीं खुलता, चाबी और बाहर से आएंगे चाबी से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। और ये प्रॉब्लम, और तो प्रॉब्लम नहीं है, और तो कुछ नहीं, ठीक है गाड़ी। तो हेलो है सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, अभी आपकी गाड़ी की सर सेकंड सर्विस है। अच्छा, आपकी गाड़ी अभी 5343 किलोमीटर चल चुकी है। ये जो आपकी गाड़ी की जो सेकंड सर्विस होती है, या जब आप डेट ऑफ सेल से 6 मंथ या 5000 किलोमीटर के अंदर आपको करवानी होती है। अच्छा, जिसके अंदर गाड़ी का कंप्लीट जनरल चेकअप होता है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग चेक होता है, ब्रेक चेक होता है, क्लच चेक होता है, गियर चेक होता है, इसके अलावा जो भी कंज्यूमर आइटम होता है वो चेक होता है, जिसमें लुब्रिकेशन पार्ट हो गया, डोर चेक हो गई, स्टेयरिंग चेक हो गया, कम्प्लीट इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट चेक होते हैं। अभी आपकी गाड़ी में ओनली 50-60 रुपये का एस्टिमेशन रहेगा, वो भी डिजिटल वाटर एंड शैम्पू का। अच्छा, आप इसके अंदर यदि कम होगा तो अच्छा, ठीक है। इसके अलावा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको गाड़ी चलाने करने में कोई कंप्लेन महसूस हो रही है गाड़ी के अंदर? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रही, अभी बस ये एक कंप्लेन है जो बता दी मैंने आपको, ये डोर से रिलेटेड ये है सर। ये सर्विस सेंटर, इसका नाम बता दीजिए अब, तो कहाँ पे है, क्या नाम है इसका, एड्रेस क्या है, ये बता दीजिए इसमें। सर, सतना मोटोकॉप सीतापुरा, रिको इंडस्ट्री एरिया, अमूल फार्मेसी के सामने सतना मोटोकॉप। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी लेने आऊँगा, जब मिलते हैं। ओके सर। तो गाइज, मैंने कार सर्विस पे डाल दी, और आप कार सर्विस पे डाले तो उसके अंदर आपका सामान वगैरह है, तो चेक कर लें कि क्या क्या है, और पूरी जो प्रॉब्लम है वो बताएं सर्विस सेंटर वालों को कि ये प्रॉब्लम है हमारी कार में। और मेरी में तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे में तो एक लॉक था जो कभी कभी खुल नहीं रहा था, मतलब रिमोट से मैं लॉक जो सेंटर लॉक खोलता था तो एक तरफ का जो लॉक होता था खुलता नहीं था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि चार्ज होगा आपका ज़्यादा सेकंड सर्विस का 50-100 रुपये का लगभग, वो भी अगर डिजिटल वाटर डलेगा तो आप चलते हैं जो, अब मेरे जयपुर में भी एक मेरा घर है तो वहाँ पे चलते हैं। Feel like I'm floating through, yeah.
तो गाइस ये जयपुर में मेरा एक घर है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं और वहाँ पे वेट करूँगा मैं जब तक गाड़ी की सर्विस होती है, वहाँ पे वेट करूँगा मैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने गाड़ी ले ली है सर्विस सेंटर से और गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी इसमें लॉक में जो प्रॉब्लम थी तो वो बोल रहे थे उनके हिसाब से सॉल्व कर दी उन्होंने प्रॉब्लम, और वो कभी कभी अटक जाता था तो वो कहना कि अभी नहीं हो रहा, देखते हैं आगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो उन्होंने से बोला था कि कॉल कर लेना और हमको प्रॉब्लम हो तो और होगी तो आगे तो सॉल्व कर देंगे उसको। और अब मैं जा रहा हूँ, जो ये स्पीकर बताया था आपको, इसको जो ख़राब हो गया था उसको ठीक करवाने, और बारिश शुरू हो चुकी है तो गाइस बारिश आ चुकी है, अब चलते हैं। गाड़ी जो वॉशिंग करवाई थी वो तो ख़राब हो रही है धीरे धीरे बारिश की वजह से, और चलते हैं, आप आगे का व्यू एंजॉय कीजिए। सर्विस में पानी वानी चला गया, सर्विस पानी वानी चला गया, अभी नहीं हुआ था बंद, सर्विस में नहीं हुआ है, पहले हो गया था, पहले हो गया था, हाँ अभी नहीं हुआ, मतलब कम से कम 10-15 दिन हो गए। स्टार्ट क्या ना, चार सही से टाइट कर देना है, कट आउट हम चलती है गाड़ी चालू है ना, हाँ ठीक है। तो गाइस स्पीकर सही करवा लिया, छोटी सी प्रॉब्लम थी वायर की, वायर हट गया था, एक लूज था सर थोड़ा, तो मुझे भी यही लग रहा था, ये तो हो गया ठीक स्पीकर। अब जा रहा हूँ मैं गौरव टावर जीटी, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे कुछ, तो चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ भी घर पर, और गाड़ी की जो सर्विस है वो ठीक से हो गई है, और इसमें सेकंड सर्विस पे पैसे लगे हैं 55 रुपये, 55 रुपीज़ लगे हैं केवल, और जो स्पीकर वाली प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, और शॉपिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, और जो मैंने ख़रीदा है वो सनग्लासेस लिए हैं, और इसके अलावा मैंने एक शेविंग मशीन ली है नोवा कंपनी, और इसका मॉडल नंबर है, ये इसका मॉडल नंबर है NHC21B। तो ये जो मशीन है ये मैंने भाई के ले ली है, और ये जो मशीन है नोवा की तो ये चार्जेबल नहीं है, ये सीधा आपको प्लग में लगा के चलानी पड़ेगी, तो इसका वायर जो है काफ़ी लंबा है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, और मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह से है, इसका वायर काफ़ी लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब करते हैं वीडियो का एंड, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज।